हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गूगल डेटा स्टूडियो के बारे में। बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि गूगल डेटा स्टूडियो की रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट की जाती है। पहले तो मैं आपको सिंपल सी एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ डेटा स्टूडियो है क्या। डेटा स्टूडियो गूगल का एक फ्री टूल है जिससे आप रिपोर्टिंग के लिए, चाहे एनालिटिक्स हो, यूट्यूब, पिक्सल, फेसबुक, लिंक्डइन, कुछ भी डाटा उसमें रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्ट कस्टमाइज रिपोर्ट ग्राफिकल वे में उसमें तैयार कर सकते हैं। अगर आपको अपने क्लाइंट्स को बताना है कि आपकी वेबसाइट की इतनी ग्रोथ हुई, कहाँ से ट्रैफिक आया, कितने सेशंस उसके बढ़े, तो वो आपको एक ग्राफिकल वे में रिपोर्ट बनाने का एक तरीका है डेटा स्टूडियो। तो अब डेटा स्टूडियो में की रिपोर्ट पहले मैं आपको बता देता हूँ। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको सिंपल रिपोर्टिंग का ये फॉर्मेट बताया था एक्सेल में। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपको बैकलिंक किस तरह से रखने होते हैं। तो ये तो है एक एक्सेल फॉर्मेट सिंपल सा, इसमें सिर्फ बैकलिंक्स को रखने का सिस्टम बनाया हुआ है कि किस तरह से बैकलिंक्स को रखना है, कीवर्ड्स की रैंकिंग। अब मैं आपको बताता हूँ डेटा स्टूडियो की रिपोर्ट। तो ये आपके सामने है डेटा स्टूडियो की रिपोर्ट, ये आप देख सकते हैं। इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस, कौन सी डेट से लेकर किस डेट तक यूजर्स बढ़े, कितने बढ़े, बाउंस रेट, चैनल एंगेजमेंट वगैरह सब कुछ इसमें आपको दिखेगा। इवन आपको बैकलिंक्स जो आप एक्सेल शीट में रखते हो, वो इस शीट में भी आप बैकलिंक्स को रख सकते हो। ये देखिए, ये कीवर्ड रैंकिंग रखी हुई है और ये नीचे रखा हुआ है आपका बैकलिंक्स। मैक्सिमम कंपनीज में डेटा स्टूडियो की ही रिपोर्ट क्लाइंट्स को सबमिट होती है। अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि मुझे एक्सेल में चाहिए इस तरह से बैकलिंक, तब आप इस तरह से रिपोर्ट उन्हें सबमिट करते हो, नहीं तो इसी तरह से डेटा स्टूडियो वाली रिपोर्ट आपको बनानी होती है। तो डेटा स्टूडियो वाली रिपोर्ट में है क्या कि फ्रेशर्स के लिए ये वीडियो जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो वीकली रिपोर्टिंग क्लाइंट्स को होती है, तो उसमें आपको क्लाइंट को दिखाना पड़ता है कि आपकी वेबसाइट में कितनी ग्रोथ हुई और कहाँ से ट्रैफिक, कितना पिछले महीने के, पिछले वीक के कंपेरिजन में कितना बड़ा घटा, तो सब कुछ वो आप इस तरह से ग्राफिकल वे में दिखा सकते हो। तो डेटा स्टूडियो जो है वो इसी तरह की रिपोर्ट को प्रेजेंट करने का एक तरीका है। ये सिर्फ एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट है। मैक्सिमम एसईओ वालों को गूगल एनालिटिक्स में ही, गूगल एनालिटिक्स की ही रिपोर्ट शेयर करनी होती है क्लाइंट्स को। बाकी आप इसमें यूट्यूब, पिक्सल, लिंक्डइन, जो मर्जी रिपोर्ट आप इसमें डाटा स्टूडियो के साथ उसको कनेक्ट करके बना सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस तरह की रिपोर्ट क्रिएट करनी होती है। तो सबसे पहले चलिए अपने एनालिटिक्स के ऊपर। एनालिटिक्स में जाते ही राइट हैंड साइड पे आपको ये फोर डॉट दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको दिखेगा डेटा स्टूडियो। ओके, अगर आपको यहाँ पे नहीं जाना है तो सिंपली डेटा स्टूडियो को ओपन कीजिए, गूगल डेटा स्टूडियो। जैसे ही ओपन करोगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगी, इस तरह से। अब आपको यहाँ पे जाना है ब्लैंक रिपोर्ट पे, या फिर यहाँ पे आप जाइए क्रिएट पे, न्यू रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए, एंड रिपोर्ट पे क्लिक कर दो। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे ये बोलेगा कि आपको कहाँ से रिपोर्ट तैयार करनी है, मतलब एनालिटिक्स का डाटा आपको चाहिए, एड्स का चाहिए, गूगल एड्स का चाहिए, जो भी मर्जी आपको, जिसकी भी रिपोर्ट बनानी हो वो यहाँ से आप बना सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम एसईओ क्लाइंट्स के लिए हम गूगल एनालिटिक्स की ही रिपोर्ट शेयर करते हैं। आप डायरेक्ट गूगल एनालिटिक्स में जाके यहाँ से फोर डॉट पे जाइए और डेटा स्टूडियो में क्लिक कर दिए, आप वहीं पे पहुँच जाओगे। ये देखिए, फिर से आप वहीं पे पहुँच गए। आपको जाना है क्रिएट के ऊपर। क्रिएट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, रिपोर्ट पे जाइए। रिपोर्ट पे जाने के बाद आपसे यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए पूछेगा कि आपको अगर एनालिटिक्स का डाटा यहाँ पे चाहिए, तो आप जाइए एनालिटिक्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट होगा, आगे इस तरह से क्लिक कीजिए, ऑल वेबसाइट डाटा, एंड नीचे कर दीजिए ऐड। एंड देन उसके बाद इस तरह से वो आपकी वेबसाइट का डाटा जो है वो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप वेबसाइट का नाम लिख सकते हो, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए इस तरह से।
अब देखिए, अब आपको करना क्या है, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए ऐड पेजेस। अब जितने भी पेज आपको क्रिएट करने हैं, अब एक ही पेज पे तो सब कुछ आएगा नहीं ना, तो यहाँ से आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस तरह से, ये मैंने आपको एक सैम्पल बता रहा हूँ मैं कि किस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये सबसे पहला पेज है, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में लोगो लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दिस इज़ अवर वीकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट, इट इंक्लूड्स ऑल इंपॉर्टेंट डाटा डिस्प्लेड इन एन ईजी ग्राफिकल एंड चार्ट बेस्ड फॉर्मेट। एट आवर मंथली मीटिंग वी विल डिस्कस द डाटा इन डिटेल। ओके, इफ़ यू शुड हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कॉल और ईमेल मी। इस तरह से आप कुछ भी, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है, आपको जो भी आपको कंपनी में बताएंगे या जो भी आपको लिखना है उस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि फर्स्ट पेज पे ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसके नीचे ट्रैफिक है और जियो परफॉर्मेंस है। अब देखिए चलते हैं पहले पेज पे, ये देखिए। अब इस तरह से आपको क्रिएट करना होता है। अब अगर पहला पेज आपको कैसे क्रिएट करना है, सिंपली यहाँ पे गए, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट के ऊपर गए, क्लिक किया और ये देखिए इस तरह से आप रखिए। अब ये लग गया आपका एक इस तरह से, और यहाँ पे ये देखिए बैकग्राउंड में अब इसका कलर जो भी आपको करना है वो यहाँ से आप कर सकते हो। ये आपने कर दिया कलर। अब आपको यहाँ पे लगाना है लोगो, तो इमेजेस में गए, अपना लोगो जो भी है वो ये देखिए, या ऐसे लोगो आ गया, ऐसे इसको ड्रैग करके उठाया और यहाँ पे रख दिया। ये मैं सिर्फ आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको क्रिएट करनी है, वो आपकी अपनी ढंग से, आप जो भी जैसे भी आपको बनानी है वैसे आप बना सकते हो। फिर कोई भी इसको कलर कर दीजिए, जो भी सही सा फॉर्मल सा कलर लगे वो आप कर दीजिए इस पर। अब उसके बाद क्या था, यहाँ पे देखिए इस तरह से, अब आपको फिर से ऐसा ही एक कॉलम आपने लिया, यहाँ से इस तरह से इसको किया, और इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आता है नीचे, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर, यहाँ से आप इसको कलर कर दीजिए। अब यहाँ पे आप लिखोगे, देखिए मैंने लिखा रिपोर्ट, सेलेक्ट किया और इसका टेक्स्ट साइज यहाँ से हो जाएगा, जितना मर्जी आपको करना है वो यहाँ से आप कर सकते हो। इसका कलर यहाँ से चेंज होगा, और अगर आपको इसको सेंटर में करना है तो यहाँ से इस तरह से सेंटर में कर दीजिए। एंड इस तरह से ये सब कुछ आपको लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे आप नीचे इस तरह से लिख दीजिए। तरह से लिखिए एंड इसका टेक्स्ट आप कर लीजिए छोटा, इस तरह से आपको ये करना है। अभी मैं पूरी अगर बनाने लगूंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, तो आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से आपको कौन सा टेक्स्ट कहाँ से उठाना है, इमेज कहाँ से। अब चलते हैं अगले पेज पे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए ऐड अ पेज, ऐड पेज पे किया और ये हो गया सेकंड पेज। ये देखिए फर्स्ट पेज सेकंड पेज, ओके। सेकंड पेज पे क्या था हमारा, सेकंड पेज पे था हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। फिर से यहाँ पे गए, टेक्स्ट का लिया, ऐसे एक बॉर्डर बनाया, बॉर्डर बनाने के बाद उसको कर दिया कलर, और यहाँ पे लिख दोगे आप इस तरह से ओवरऑल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ओके, ये लिख दिया ओवरऑल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इसका कर देंगे साइज बड़ा ताकि देखने में ये सही लगे, साइज बड़ा कर दिया। उसके बाद आता है डेट एंड टाइम, तो ये आपको कहाँ से रखना है, ये देखिए ऐड अ कंट्रोल, ऐड अ कंट्रोल पे गए। सॉरी, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यह है डेट, यहाँ पे डेट जो भी आप सेलेक्ट करते हो उसी के अकॉर्डिंग
आपका डाटा जो है वो रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से उठाइए, ऐड अ कंट्रोल पे गए एंड यहाँ पे लास्ट पे देखिए डेट रेंज कंट्रोल, इस पर क्लिक किया और जैसे ही आप इसको जहाँ मर्जी रखना है वहाँ पे रख दीजिए। ये मैंने रख दिया और अब देखिए यहाँ पे ये मैंने रख दिया, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। पहले ये लीजिए मैंने वाइट में इसको कर दिया और इसका बैकग्राउंड मैंने कर दिया ब्लैक। ओके, अब यहाँ से आपको डेट रेंज कैसे सिलेक्ट करनी है, जैसे इस पर क्लिक किया आपने और साइड में देखिए इस वक्त यहाँ पे ऑटो है, तो आप यहाँ पे रख दीजिए 16 जनवरी से मुझे चाहिए 23 जनवरी तक। तो अप्लाई करते ही ये यहाँ पे हो गया सेलेक्ट। ओके, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद मेन पॉइंट अब आपके यहाँ पे आते हैं कि न्यू यूज़र। अब ज़रूरी नहीं है कि हर क्लाइंट को यही आपको शो करवाना है, हर क्लाइंट की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि उसको कौन सा डाटा आपको शो करवाना है। अभी ये मैंने एक फॉर्मेट है, जैसे न्यू यूज़र आप शो करवा सकते हो, तो न्यू यूज़र आप कहाँ से लोगे, यहाँ से ऐड अ चार्ट पे जाओगे और यहाँ पे स्कोर कार्ड देखिए टोटल पे गए और यहाँ पे इस तरह से जितना भी साइज़ आपको चाहिए वो आप रख लीजिए। अब देखिए न्यू यूज़र तो यहाँ पे आ गया, अब इसको स्टाइलिंग थोड़ा करना पड़ेगा ताकि ये देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। अब इसका बैकग्राउंड मैं कर देता हूँ अभी के लिए ब्लैक ही कर देता हूँ और टेक्स्ट मैंने इसका कर दिया वाइट। ओके, अब देखिए न्यू यूज़र यहाँ पे आ गया। अब इसको जैसे ही अब देखिए क्लाइंट को हमको बताना भी होता है कि पिछले वीक में कितना था और इस वीक में कितना है। ओके, तो यहाँ पे कंपैरिजन कैसे करेंगे हम, जैसे यहाँ से हम जो भी डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी अकॉर्डिंग ये न्यू यूज़र जो है वो यहाँ पे अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, जैसे डेट पे क्लिक किया और यहाँ से हम डेट को कर लेंगे, जैसे मैंने कर दिया 18/2023। ठीक है, अब देखिए अब हो गया यहाँ पे 53। अब इसको पिछले वीक से हमको कैसे कंपेयर करना है, तो न्यू यूज़र पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है इस टाइम आपको ऑटो, ऑटो मतलब ये जो डेट है इसके अकॉर्डिंग ये डाटा जो है वो अपने आप रिफ्रेश होगा। अगर मान लीजिए आपको इसको अपने हिसाब से करना है तो यहाँ पे गया ऑटो के बाद यहाँ पे कस्टम पे कर दोगे, कस्टम पे जो भी डेट आप रखोगे वो उसको अप्लाई करके यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए आप कंपैरिजन डेट रेंज, कंपैरिजन डेट रेंज पे जो भी डेट आप सेलेक्ट करोगे पिछली उस अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट हो जाएगा। और नहीं तो ऊपर देखिए नन के ऊपर यहाँ पे प्रीवियस पीरियड मतलब इस हफ्ते से जो भी आपने डेट सेलेक्ट की है 18/2023 उसके पिछले पिछले जितने भी दिन हुए उस अकॉर्डिंग ये पिछला वीक जो होगा उस अकॉर्डिंग हो जाएगा प्रीवियस पीरियड। मतलब जैसे ही अप्लाई करोगे यहाँ से कर लीजिए प्रीवियस पीरियड, अप्लाई किया ये देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपका जो डाटा है वो प्रीवियस पीरियड के कंपैरिजन में 19.7 जो है वो गिर गया है। ये इस टाइम रेड में आपको शो हो रहा होगा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए ये नीचे की तरफ एरो है और ये रेड में शो कर रहा है, यानी कि डाटा जो है वो पिछले वीक के मुकाबले जो है वो कंपैरिजन में कम हो गया है। तो अगर इस तरह का आपके ऊपर आपको कंडीशन आ जाती है कि इस यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर रहे हो और यहाँ से जिस जो भी डेट आपने सेलेक्ट की उस हिसाब से ये यहाँ पे फैच होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको डेट तो आपको शो वही करवानी पड़ेगी जो आपको जिस वीक के लिए आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, मतलब अगर आज कर रहे हो तो पिछले इस हफ्ते की ही यहाँ पे डेट डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर उस डेट के हिसाब से डाटा जो है वो गिर गया है आपकी रिपोर्टिंग यूज़र गिर गए हैं तो चिंता मत कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और उसको ऑटो में नहीं कस्टम पे जाके सेलेक्ट कीजिए। कस्टम में जो भी आप डेट आगे पीछे करके देखिए कि कहाँ पे आपके यूज़र जो हैं वो बढ़े हैं। जैसे अब यहाँ से मैं थोड़ी बहुत मैंने डेट चेंज की तो अभी भी देखिए ये यूज़र घटे ही हैं, तो थोड़ी भी अगर मैं आगे पीछे करूँगा तो कभी ना कभी तो यूज़र इसके बड़े होंगे। तो वहाँ से हम
या अभी भी इसको कम ही बता रहा है। अभी ये वेबसाइट नहीं है तो उस हिसाब से ये डाटा फेच नहीं कर रहा है। ये देखिए, अब जैसे ही मैंने डेट सेलेक्ट की, अब यहाँ से मैंने इसका जो डाटा है वो मैंने रखा कस्टम। कस्टम मतलब मैंने अपने हिसाब से डेट के अकॉर्डिंग रख दिया, ताकि क्लाइंट ये ना बोले कि यहाँ पे, जहाँ क्लाइंट ये ना बोले कि यूज़र तो आपके कम हो रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर ये आपने ऊपर डेट रखी है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिफ्रेश हो गया, कम हुआ तो कम ठीक है, ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा ठीक है। आपको यहाँ पे सही से रखना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर यूज़र आपके डिग्रीज हो रहे हैं, तो आपको इसको कस्टम में करके, डेट आगे पीछे करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? ये मैं थोड़ा आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसे कंपनीज में होता गया है कि मतलब क्लाइंट को हम ये नहीं शो करवा सकते कि आपके यूज़र घटे हैं, तो उस चक्कर में ये यहाँ पे हमें करना पड़ता है। उसके बाद देखिए ऑर्गेनिक सर्चेस, ऑर्गेनिक सर्चेस में भी सॉरी, यहाँ पे गए एड चार्ट पे, कोल्ड कार्ड, और यहाँ से उठाया और इस तरह से रख दिया। अब यहाँ पे चाहिए हमको ऑर्गेनिक सर्चेस, ठीक है? पहले इसकी स्टाइलिंग कीजिए। ये हमने टेक्स्ट कर दिया वाइट, और ये बैकग्राउंड कर दिया हमने इसका ब्लैक। अब हमको यहाँ पे चाहिए ऑर्गेनिक सर्चेस, सिंपली इस पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स में यहाँ पे इस वक्त पेज व्यू है, इसलिए यहाँ पे पेज व्यू दिख रहा है। यहाँ पे लिख दीजिए ऑर्गेनिक, ये देखिए ऑर्गेनिक सर्चेस करते ही क्लिक किया और ये हो गया चेंज ऑर्गेनिक सर्चेस में। अब इसका भी कंपैरिजन सेम वैसे ही, इस पे भी क्लिक किया एंड यहाँ से गए प्रीवियस पीरियड पे किया, और इस तरह से शो हो जाएगा। अब देखिए ये भी यहाँ पे शो कर रहा है कि पिछले वीक के कंपैरिजन में आपका डाटा जो है वो, आपके ऑर्गेनिक सर्चेज जो है वो गिर गई। तो आप क्लाइंट को ऐसे तो शो करवा नहीं सकते कि गिर गए हैं, वो तो बोलेगा फिर आप काम क्या कर रहे हो। तो उस चक्कर में यहाँ पे क्लिक करो और उसको कस्टम अपने डेट के अकॉर्डिंग ये दिखा दो कि कोई भी डेट लो और उसको सेट कर लो। फिर उसको ऐसा ही लगेगा कि आपका जो है वो यूज़र यहाँ पे बढ़ने चाहिए। अब ये वेबसाइट नहीं है, इसलिए इसका डाटा भी यहाँ पे अच्छे से शो हो नहीं रहा है। तो इस तरह से आप कर लेना इसको यहाँ पे। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे, वैसे ही आपको पता चलेगा। स्टार्टिंग में इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी, उसके बाद यूजर्स हैं, वैसे ही यूज़र में ऐड चार्ट पे गए, स्कोर कार्ड से उठाया, ऐसे किया, बैकग्राउंड चेंज जो भी करना है वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया और ये पेज व्यू के यहाँ पे यूज़र्स लिख दिए। यूज़र पे जो भी आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए नीचे यूज़र्स आ गए, यूज़र यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके बाद बाउंस रेट है, बाउंस रेट भी आपको वैसे ही उठाना है, सेशन वैसे उठाना है। अब चैनल एंगेजमेंट बाई सेशन, अब देखिए इस तरह से ये जो भी है, यहाँ पे गए चार्ट पे गए, चार्ट को उठाया और ऐसे रख दिया। चार्ट में यहाँ पे आपको किस, अब देखिए यहाँ पे जैसे चार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टाइल करने के लिए ये पूछता है, या फिर ऊपर देखिए इस पे एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट है कि आपको किस तरह से दिखाना है इसको। तो वो जैसे भी आपको सही लगे। अब ये यहाँ पे बता रहा है कि कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आया, कौन कौन से कीवर्ड पे ट्रैफिक आ रहा है, तो इस तरह से आपको इसको देखना है। अगर आपको ये रिपोर्ट चाहिए तो आप कमेंट में मुझे अपनी ईमेल आईडी शेयर कीजिए, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। तो यहाँ से आप देख के रिपोर्ट्स बना सकते हो। ये स्पेशली फ्रेशर्स के लिए काफ़ी काम में आने वाली चीज़ है, ताकि कंपनी में अगर उनको कहेंगे कि ऐसी रिपोर्ट, डाटा स्टूडियो की रिपोर्ट नहीं है, तो इस तरह से रिपोर्ट बना सकते हैं। अब मेन मैंने आपको तो बता दिया कि कहाँ कहाँ से ये आपको सेलेक्ट करने हैं। आप जहाँ से, अब देखिए ये ऐड अ चार्ट है, और साथ में देखिए इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे आपको दिख जाएंगे। आपको जो भी डाटा यहाँ पे रखना है, रिपोर्टिंग में आपको डाटा रखना है, वो यहाँ से आप रख सकते हो। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें अपने बैकलिंक्स को कैसे रखना है, ठीक है? जैसे कि ये देखिए, अब इसमें बैकलिंक्स रखने के लिए करना क्या होता है, आपको अपनी गूगल शीट में, एक गूगल शीट बनानी होती है, उसमें आपको
बैकलिंक्स पहले उसमें आपको रखने पड़ते हैं, फिर वो गूगल शीट जो है वो अपनी एनालिटिक्स के साथ गूगल स्टार्टअप स्टूडियो के साथ कनेक्ट करनी होती है। ठीक है, तो पहले चलिए गूगल शीट पे ऊपर, गूगल शीट सेलेक्ट किया, सॉरी सर्च किया, ओपन कर लीजिए गूगल शीट। जिनको नहीं पता, गूगल शीट एक ऑनलाइन शीट होती है जिसमें जो भी आप डाटा रखोगे वो ऑनलाइन ही रहेगा वहीं पे, जैसे ही आप ओपन करोगे वो मिटता नहीं है, वो आपके लैपटॉप या किसी में नहीं होता है, वो सिर्फ ऑनलाइन होता है उस पे गूगल शीट। जैसे ही आप गूगल शीट के लिए करना गया है, आपको गूगल शीट पे जाइए। जाने के बाद अब आपको यहाँ पे करना है क्या है कि यहाँ पे आपको जो ईमेल आप डाटा स्टूडियो, सॉरी जो ईमेल आप एनालिटिक्स में यूज़ कर रहे होंगे वही उसी ईमेल पे डाटा स्टूडियो क्रिएट करनी है, उसी ईमेल से यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ पे जाइए ब्लैंक पे, ब्लैंक पे किया क्लिक और एक गूगल शीट जो है वो क्रिएट कर ली। यहाँ पे नाम चेंज कर दीजिए, माई शीट मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया। अब इस तरह से रख दिया आपने, अब यहाँ पे रखोगे आप अपने बैक लिंक। ठीक है, बैक लिंक जैसे ये लिया हमने, ये सारे बैक लिंक किए कॉपी और यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे कर दो इसको कॉपी। अब ये यहाँ पे कॉपी हो रहे हैं और लैपटॉप में इंटरनेट स्लो चल रहा है उसके लिए सॉरी। जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का ऑप्शन है। प्लस का ऑप्शन मतलब जितने अगली शीट आपको रखने हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक और शीट तैयार हो जाएगी जितनी मर्जी आपको करनी है। ये देखिए जो भी हमने पेस्ट किया वो यहाँ पे आ गया, जैसे हम एक्सेल शीट में रखते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आ गया। ये देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से अगले, ये आपने मान लो एक टास्क के रख दिए, अब अगले टास्क के ऐसे किया अगली शीट बन गई, ऐसे ही अगली शीट के यहाँ पे कॉपी करके रख दो। ठीक है, अब ये तो बन गई आपकी गूगल शीट। अब इस शीट को आपको करना होता है कनेक्ट अपनी डाटा स्टूडियो के साथ। तो डाटा स्टूडियो के साथ कैसे कनेक्ट करना है ध्यान से देखिएगा। आप रिसोर्सेज पे गए, मैनेज डाटा एड डाटा रिसोर्सेज पे गए, उस पे यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे करोगे आप एड डाटा सोर्स, मतलब एड पे क्लिक किया, आपने रखे थे अपने बैकलिंक्स गूगल शीट में, तो ये देखिए ये है गूगल शीट, क्लिक किया और यहाँ पे जाएंगे ओन्ड बाई मी। मैंने कौन सी नाम दिया था, मैंने नाम दिया था, अभी यहाँ पे नाम तो चेंज हो गया है, नाम ये है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। तो ये देखिए अगर आप जिस ईमेल पे डाटा स्टूडियो, आप जिस ईमेल पे एनालिटिक्स है आपका उसी ईमेल पे डाटा स्टूडियो आपको बनानी है, डाटा स्टूडियो उसी, डाटा स्टूडियो नहीं सॉरी गूगल शीट उसी ईमेल पे होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो ये अपने आप यहाँ पे फेच कर लेता है। ये देखिए हमने किया था अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, इस पे जैसे ही हमने क्लिक किया हमने, हमारी थी दो शीट हैं, ये देखिए दो शीट हैं, ये देखिए। अब वन बाई वन यहाँ से हमें ये ऐड करनी है, इस पे किया क्लिक और नीचे आएगा ऐड का ऑप्शन, ऐड किया, ये हो गई ऐड हमारी डाटा स्टूडियो में। इसी तरह से फिर से जाएंगे अगली शीट को ओन्ड बाई मी में, अपने वाले में जाएंगे और सेकंड पे क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गई हमारी यहाँ पे ऐड। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम इसको कर देंगे क्लोज। बैक लिंक्स के लिए अगला पेज बनाइए और अगले पेज पे यहाँ पे कैसे आपको रखना है, टेक्स्ट पे गए सिंपल वैसे ही पहले जैसे, इस तरह से टेक्स्ट को बैकग्राउंड कर लिया ब्लैक, आपको जो मर्जी करना है वैसे आप कर सकते हो। यहाँ पे लिख दोगे टास्क का नाम, क्लासिफाइड एड्स ऐसे मैंने लिख दिया, इसको कर दिया थोड़ा सा इसको बड़ा, ये मैं जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा आराम से इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है ताकि ये देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। तो ये देखिए अब इसके नीचे जो हमने शीट ऐड की थी, इंसर्ट में जाइए और यहाँ पे टेबल कीजिए सेलेक्ट और टेबल को कर लीजिए इस तरह से स्ट्रेच। अब कैसे वो बैक लिंक यहाँ पे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे गए डाटा सोर्स में लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए अब ये आपको तभी दिखेगा जब आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर हमने क्लिक किया,
और यहाँ पे कौन सी शीट थी वो, ये देखिए अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट शीट 1, एक ही शीट हमने ऐड की थी, तो ये किया मैंने इस पे क्लिक। मैंने ये डन डाटा रिसोर्स, और ये है हमारी शीट। इंसर्ट पे गए और ये यहाँ से टेबल ले लिया आपने, टेबल मतलब जिस पे आपका एक टेबल बन जाएगा शीट बैकलिंक्स को रखने के लिए। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो ये हो नहीं रहा है, तो ऐसा काफ़ी बार होता है कि जैसे ही आपने शीट ऐड की है तो ये होता नहीं है यहाँ इसमें ऐड। तो आपको करना क्या होता है, रिसोर्सेज पे जाना है, मैनेज एडेड डाटा पे जाना है, और जो यहाँ पे शीट होगी उसको रिमूव कर देना है और फिर से उसको ऐड करना है। तो जैसे ही मैं गया गूगल शीट के ऊपर, ओन्ड बाई मी, अपनी वाली शीट उठाई और ऐड कर दिया। दोबारा से आपको डिलीट करके उसको ऐड करना होता है, ठीक है? तो जैसे ही आप उसको फिर से करोगे, अब फिर से ऐड होगी। अब लीजिए यहाँ से इंसर्ट पे जाइए, टेबल पे जाइए, और इस तरह से टेबल लिया, और देखिए हमने की थी दो शीटें ऐड कर दी मैंने अपनी जो भी बनाई है। ये है मेरी पहली शीट, क्लिक किया। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये देखिए मेरा यहाँ पे आ गया। अब कैसे आपको मैनेज करना है, ये राइट हैंड साइड पे देखिए, जो भी हमारे ये देखिए होम, ये है शीट पे क्या क्या था, होम पेज यूआरएल है, यूजर नेम पासवर्ड, तो ये सब कुछ यहाँ पे आ जाते हैं साइड में। तो सबसे पहले लीजिए होम पेज यूआरएल आपका शीट में पहले से ही है। अब चाहिए आपको यूज़र नेम, यूज़र नेम उठाया ड्रैग करके यहाँ पे रखा। जैसे जैसे आप रखते जाओगे वैसे वैसे शीट में ऐड होता चला जाएगा। उसके बाद पासवर्ड उठाया, उसके बाद लाइव लिंक यूआरएल उठाया, स्टेटस उठाया, और इस तरह से रख दिया। इस तरह से रखने के बाद इसको यहाँ से कस्टमाइज कर लीजिए, और ये रिकॉर्ड काउंट है कुछ, तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो आप, क्योंकि ये हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ जो भी हमने बैक लिंक का फॉर्मेट है वही रखना है इस तरह से। अब जैसे आपको अगला यहाँ पे रखना है, अगले के लिए इसको सारे को सेलेक्ट किया, इसी को कॉपी किया और इसी को पेस्ट कर दिया, और इस तरह से एक और कॉपी बना ली। अगले टास्क का यहाँ पे लिख दीजिए नाम, इमेज शेयरिंग, और शीट को किया सेलेक्ट, और यहाँ पे जाइए, और जिस शीट में अब मान लीजिए सेकंड शीट में आपका इमेज शेयरिंग है, तो सेकंड शीट पे क्लिक कीजिए और उस हिसाब से यहाँ पे डाटा फैच हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी रिपोर्टिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। तो सिर्फ इतना सा फंडा था, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर पे मेरे मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये सारा डाटा चाहिए, सॉरी रिपोर्ट का फॉर्मेट चाहिए, तो वो मैं आपको मेल कर दूंगा। तो इतना सा फंडा था डाटा स्टूडियो रिपोर्टिंग का, तो इस तरह से आपको करना होता है। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।